हेलो एंड नमस्कार गाइस, अभी मैं झाड़ग्राम के लिए निकल चुका हूँ, घर जा रहा हूँ। एंड अभी इधर से ये पाली ब्रिज होके मैं जाऊँगा। मैं बहुत वीडियोस बनाए हूँ जिसमें मैं हावड़ा ब्रिज से गया हूँ, विद्यासागर सेतु से गया हूँ। सो अगर आपने चेक नहीं किया है तो चेकआउट कर लीजिए सारे वीडियोस। अब चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो न्यू टोल ब्रिज है ना, इस पे नहीं जाना है। बहुत बार गलती से मैप में क्या कार का वो लग जाता है ना, हमको इधर से जाना है, क्योंकि ये जो टोल रोड है जो इस साइड से जा रहा है उस पे बाइक अलाउ नहीं है। ठीक है, तो फिर जाके वहाँ पे गंगा नदी पार करके फिर जाके इधर आना पड़ता है, और पुलिस भी डिस्टर्ब करते हैं। तो वैसे नहीं करना है, मतलब बहुत जन का ये होता है। और क्या, इधर ये बाली ब्रिज के आसपास ऐसा दिक्कत होता है, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से बता दिया। तब जाके वैसे घूम के ये वाले रास्ते से आना पड़ता है, और यहाँ का पुलिस फिर परेशान करता है। अभी पहुँच गए हैं दक्षिणेश्वर के पास। यहाँ दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन है, एंड दक्षिणेश्वर मंदिर जाने का यही रास्ता है। एंड यहाँ से सीधे जाएंगे तो बाली ब्रिज। ये बस कहाँ से घुस गया, जाने दो, हम स्लो स्लो जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है और बहुत जन को नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कि कोलकाता से निकलने के लिए तीन ब्रिजेस मेजर है जो कोलकाता सिटी के पास से निकलती है। एक है हावड़ा ब्रिज, एक है विद्यासागर सेतु, एंड एक ये है बाली ब्रिज। एंड ये नया में साइड में जो ब्रिज बना है, ये है आपका टोल ब्रिज नया, जिसपे बाइक्स अलाउ नहीं है। एंड यहीं पे है दक्षिणेश्वर मंदिर, वहाँ पे दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं उधर से आता हूँ, तो बहुत सारे वीडियोस में कवर किया हूँ। एंड ये रहा भागीरथी गंगा नदी, एंड प्रणाम करते हैं, जय गंगा माता। अब हर एक रास्ता दिखाना सही भी नहीं लगता। कुछ मेरे दोस्त लोग बोल भी रहे थे, अरे तो क्या करता है, पूरे रास्ते दिखाते चलता है, इधर से जाता है उधर से जाता है, ये वो। ठीक है, चलो वो वीडियो लंबा बन जाता है, पर मुझे ऐसा लगता था कि वो सब थोड़ा किसी न किसी के लिए इंफॉर्मेटिव होगा, जो लोग वर्चुअली, जैसे वर्चुअल मैप्स बहुत जन यूज़ करते हैं ना, कहीं पे जाके ये कंट्री कैसा है, रोड वगैरह, तो उन सब के लिए थोड़ा एक्सपीरियंसिंग होगा। तो अभी हम लोग आ गए इधर बाली घाट, एंड अभी हाईवे पे। उधर जो रोड जा रहा है ना, वो सीधे दिल्ली जाएगा, तो वो बिहार जल्दी पहुंचाएगा। और इधर से भी बिहार जा सकते हैं, बट ये थोड़ा आपका झारखंड होते हुए जाता है, तो थोड़ा घूम के जाएगा। एंड ये खड़गपुर का रास्ता है कि ये ब्रिज पार किए और हम लोग आ गए NH6 पे। तो अभी पार कर रहे हैं धूलागढ़ टोल प्लाजा। ये कोलकाता से खड़गपुर जाते टाइम सबसे पहला टोल प्लाजा पड़ता है। बाइक्स का तो जनरली टोल प्लाजा पे कोई चार्जेस नहीं होते हैं, कुछ कुछ एक्सप्रेसवे पे होते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, एंड बाकी कार्स वगैरह के हैं। सो अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत ये होता है, और ये है
अभी पार कर रहे हैं उलू बेड़िया। और उलू बेड़िया क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उलू बेड़िया से आप उस पार जाएंगे ना, गंगा नदी है उस पार जाएंगे तो कोलकाता का जो बजबज है, कोलकाता के बजबज में पहुँच जाएंगे। ये देखिए लिखा है इधर उलू बेड़िया एंड सीधे खड़गपुर। ये जा रहा है कोलाघाट एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रूपनारायण नदी के किनारे, देखते हैं, इससे पहले नहीं गए हैं वहाँ पे, जाके देखते हैं कैसा है क्या है। और ये आ गए लगभग नदी के पास में, बहुत धूल है यहाँ पे, नदी पे जाने का रास्ता कौन सा है, शायद ये सीधे वाला है नदी के पास, हाँ यही वाला है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है, इतना बड़ा नदी है पूरा, ये देखिए यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू। और यहाँ पे रिवर बैंक, नदी का किनारा, ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। उधर जाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा रास्ता तो पूरा बालू से भरती है। ये आ गए हम लोग रूपनारायण नदी के किनारे। हाँ देखिए उस पार कोलाघाट एंड इस पार रूपनारायण नदी। बहुत सही लग रहा है, रूपनारायण नदी पे आ गए और यहाँ पे मछली पकड़ रहे हैं। ये देखिए मछली का जाल, खलाचे स्लीपरी है, ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, फिर बाइक चलाने में सुविधा होगा, पूरा स्लीपरी है ये। वो देखिए मछली पकड़ के ला रहे हैं। अरे ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैं जूम कर लूंगा, इधर डॉल्फिन है। अरे अभी कूद ही नहीं रही है डॉल्फिन, अभी कूद रही थी मस्त, ऐसे ऐसे जंप कर रही थी डॉल्फिन। मैं सोचता था फ्रेश वो समुंदर में ही रहती है, पर यहाँ भी यार अभी डॉल्फिन थी इधर। ये रही वो जंप मारी अभी वहाँ पे, और एक बार जब मार इधर ही से इधर ही में वो तैर रही है। ये रहा ये देखिए एक बार और कूदी। चलिए ठीक है अब निकलते हैं, रूपनारायण नदी से निकल रहे हैं, बहुत दिन से इधर आने का मन था एंड आज डॉल्फिन भी देख लिए। ये देखिए यहाँ पे बहुत जन पिकनिक करने आया था, उन लोग का पिकनिक हो गया और अभी रूपनारायण नदी से निकल रहे हैं। यहाँ तो बालू भरती है पूरा,
आराम से निकलना पड़ेगा। सच में मुझे नहीं मालूम था कि मतलब ऐसे फ्रेश वाटर में भी डॉल्फिन मिलती है, क्योंकि जनरली वो सी वाटर में या वीडियोस में मैंने देखा है, मतलब जनरली मूवीज़ में ही सी वाटर में या स्विमिंग पूल ये सब में देखा हूँ। तो मुझे लगता था कि मतलब जनरली डॉल्फिन्स नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आके डॉल्फिन देखने मिला, बहुत अच्छा लगा, नया चीज़ देखने को मिला, नया एक्सपीरियंस। एंड इसको बंगाली में सुसुक बोलते हैं। सुसुक यानी डॉल्फिन। तो अभी ये ब्रिज पार करेंगे, उधर कोलाघाट चलेंगे। अभी आ गए NH6 पे एंड अब इधर चल रहे हैं। अभी ये ब्रिज पार करेंगे और उस तरफ कोलाघाट। और कोलाघाट इसलिए विख्यात ज़्यादा है क्योंकि इधर का जितना भी इलेक्ट्रिक सप्लाई वगैरह होता है ना इस साइड में, वो यहीं से होता है। एंड मैंने तो कुछ दिन कोलाघाट का हाईवे पे, हल्दिया कोलाघाट पे काम भी किया है। ये रूपनारायण नदी के ऊपर से अभी हम जा रहे हैं। ब्रिज पार कर लिए एंड आ गए हम लोग कोलाघाट। एंड कोलाघाट भी एक बहुत अच्छा पॉपुलर जगह है, जो टूरिस्ट वगैरह या जो घूमने निकलते हैं खाना वाना खाने के लिए, इधर बहुत सारे होटल हैं। यहाँ का एक पुराना ढाबा है शेरे पंजाब ढाबा, बहुत पुराना है, सब पॉपुलर है। तो यहीं चलते हैं, कहीं पे नाश्ता कर लेंगे यहीं पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सामने जो इंडिया का झंडा देख रहे हैं यही है शेरे पंजाब कोलाघाट। उस साइड से आता हूँ ना तो शेरे पंजाब में रुकता हूँ, या अभी ये उस पार पड़ता है। तो अभी सर्विस रोड में आ गया हूँ एंड इधर ही एक होटल में अभी रुक के थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, फिर निकलेंगे। यहीं पे रुक लेते हैं बाइक। यहाँ पे दी पंचवटी गार्डन नर्सरी है, बहुत सारे फूल वगैरह है। यहाँ पे ये सब जो फूल दिख रहा है ना, ये हम लोग के उधर जंगल झाड़ी में होता है, ठीक है। इसमें वो काला काला बॉल्स होता है छोटा, ये बचपन में बहुत खेलता था, ये सब बहुत होता है, ठीक है। पता नहीं ये सब भी यहाँ बिकने लगा हाइब्रिड बना के, गजब है। यहाँ तो ये सामने एक बाइक खड़ा कर दिया, नहीं तो इधर एक बैठा था, एक जनरेटर था, वो बोल रहा था इस बाइक का बैटरी बाहर है क्या, मतलब इतना दूर से इतना दिखता है ना, इतना मतलब मशीन इतना दिखता है ना कि गजब लगता है। ड्यूक 200। ये देखिए शेरे पंजाब कोलाघाट, और ये रहा अपना बाइक। रवि फिलहाल निकलते हैं। सीट तो गर्म हो जाना चाहिए। हाँ सीट गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है फिर भी क्या करेंगे। निकलते हैं।
अभी इस साइड निकल गए सीधे पंजाब ढाबा, यहाँ पे भी सब आते हैं मस्त संडे राइड वाले सब। अंदर बहुत बड़ा जगह है, बार वगैरह पब सब कुछ है अंदर, और पार्किंग एरिया सबसे बड़ा है उधर का। ये सर्विस रोड पे अभी मेन ये पे निकलेंगे, फिर से NH6 पे और आ गए हम यहाँ पे। NH6 पे देखिए ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज के वहाँ कोलाघाट सेक्शन से हल्दिया सेक्शन जो है उस पर मैं काम करता था, ठीक है, साइट इंजीनियर मेंटेनेंस का था। एंड इधर हल्दिया दीघा इधर ही है, मंदारमणि सब इधर ही है, और उड़ीसा भी पड़ जाएगा आपका, और सीधे खड़गपुर जाएंगे, खड़गपुर से भी पड़ता है आपका, साउथ जाने का पूरा रास्ता है। एंड झाड़ग्राम आगे है, आगे लिखा हुआ है झाड़ग्राम, दिखाता हूँ आप लोग को। ये देखिए झाड़ग्राम यहाँ से 105 किलोमीटर, खड़गपुर 70 किलोमीटर, ठीक है। सब चलते हैं अभी पेट्रोल पंप से, फिर से 500 का तेल डलवा के निकल रहा हूँ, देखता हूँ कितना एवरेज दे रहा है। वैसे तो ज़्यादा देना चाहिए, ये पूरा राइड कंप्लीट होने के बाद मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें समझिए तो अभी भी 400 का था पेट्रोल, ठीक है, तो अभी वही बचा होगा 1 लीटर जैसा। अभी पार कर रहे हैं डेबरा टोल प्लाजा और इसके बाद ही खड़गपुर है। एंड इससे आगे एक और टोल प्लाजा है, पर ये रास्ता बंद है क्या? नहीं, खुला हुआ है, ये रोड शायद कुछ बना है नया से। अच्छा खासा ब्रेकर बना हुआ है यहाँ पे, गजब का यार, बाइकों के लिए मतलब कोई ये ही नहीं है, कुछ भी बना दिए हैं। अगर बाइक पैसा नहीं देता तो क्या सही से रोड भी नहीं मिलेगा उनको। चलिए ये देखिए ये जगह कितना अच्छा लग रहा है, देखिए ये रास्ता खड़गपुर जाएगा और ये जो रास्ता था ये ऐसे नीचे होते हुए उधर साउथ चला जाएगा। ये देखिए मुंबई जो दिखा रहा है साउथ होते हुए, एंड ये खड़गपुर। अभी आ गए हैं खड़गपुर के चौरंगी में, एंड ये सीधे रास्ते जाएगा झाड़ग्राम, इस साइड है खड़गपुर रेलवे स्टेशन, इस साइड है मेदिनीपुर, और हम लोग अभी आ रहे हैं जिधर से कोलकाता तरफ से आ रहे हैं, सभी सीधे चलते हैं। यहाँ भी सिग्नल सिस्टम है, चौरंगी खड़गपुर चौरंगी। एंड अभी आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं गुप्तमणि माता के मंदिर के यहाँ, और यहाँ प्रणाम करके ही निकलेंगे। यहाँ पे से जो भी बाइक वगैरह या कोई भी गाड़ी वगैरह जाता है ना, वो प्रणाम करके ही जाता है, तो हम लोग भी यहाँ पे रुक के मंदिर के सामने प्रणाम कर लेते हैं माता को। जय गुप्तमणि माता, जय गुप्तमणि माता, माता को प्रणाम कर लिया। अब आगे चलते हैं, बालीभाषा टोल प्लाजा। एंड बाइक्स के लिए जैसे मैंने बताया था, बाइक्स के लिए प्रॉपर कोई रास्ता नहीं बनाया हुआ है, ऐसे ही साइड से निकलना पड़ता है। सो यही है
यही तीन टोल प्लाजा NHAI के पड़ते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, कोलकाता से झाड़ग्राम आते टाइम। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अभी ये जो VUP ब्रिज बना है इसके नीचे से जाएंगे ना तो अब झाड़ग्राम, झाड़ग्राम डिस्ट्रिक्ट होटल्स, वेलकम टू झाड़ग्राम दिखा है। चलते हैं अब, हम इधर स्टेट हाईवे में आ जाएंगे। और हम लोग आ गए स्टेट हाईवे पे। दिस रोड इज मेंटेन्ड बाय PWD। झाड़ग्राम में अपना के स्वागतम, बांग्ला में लिखा है वेलकम टू झाड़ग्राम। अब आगे आपको झाड़ग्राम का दिखाता हूँ। अभी तो जो साल पेड़ है ना उसका पत्ता झड़ के एकदम नया नया पत्ता निकला होगा, वो सब दिखाऊंगा आपको। और ये रोड भी बना दिया, देखिए कितना चिकना, इससे पहले जितना बार गया हूँ टूटा फूटा रोड, मतलब इतना डंपर वम्पर, इतना ट्रक हैवी लोड व्हीकल्स जाता है क्योंकि इधर फैक्ट्री है सामने, तो बहुत दिक्कत होता था, पोर्ट होल्स बहुत थे। अभी तो पूरा नया रोड बना है, देखते हैं अब कितना दिन चलता है। सीज़न में ये रास्ते कितने अच्छे लग रहे हैं, रंग बिरंगे पेड़, नया रोड है, बहुत सही लग रहा है। ये सब एलिफेंट कॉरिडोर है और क्या मस्त लग रहा है, एकदम नया नया पत्ता निकला है पूरा हर पेड़ का, रोड भी नया नया है। क्या मस्त लग रहा है पूरा अभी सब कुछ। क्या मस्त लग रहा है पूरा ग्रीनरी, एकदम नया नया पत्ता, और कुछ बेवकूफ पत्ते जगह रहे हैं। ये देखिए यहाँ कितना ब्राइट लग रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है, इधर फोटोग्राफी भी चल रहा है। ये देखिए एकदम वेलकम गेट जैसा झाड़ग्राम घुसने से पहले। पूरा कितना मस्त है, पूरा एकदम मतलब दिल खुश हो जाता है इस रास्ते से। पूरा घना साल का पेड़ दोनों तरफ, नया नया पत्ता पूरा उगा हुआ, और कुछ रंग बिरंगा पेड़ भी है। बस ये पार किया और झाड़ पर झाड़ग्राम के चौरस्ता की तरफ। सामने जो इंडिया का झंडा लहरा रहा है वो है झाड़ग्राम रेलवे स्टेशन। हो गया अपने घर के पास। नितिन, गेट खोलो, ये कौन है रे? नितिन द पांसर, क्या हुआ, सो रहा था क्या? चलो रुका,
सीधा उखो सीधा संस्कार देखो सर।